कीर्तन बोलना बड़ा जरूरी होता है। दे लोग ना बोल पाते तो बोलने लायक ही ना होता है। और जो लोग कीर्तन ना बात भर पे वही कैसे जा भगवान की दुआ से तो तरीके से बोलता है। मैं बताऊं जमा करें मैं बुराई नहीं करो, हमारे साथ एक लड़का रहता है और बेचारे बहुत दिन से आता है घर पे है या नहीं है, बहुत दिन पहले की बात है, कुरावली के नजदीक कथा शुरुआत हुई। सो हमने मैनपुरी मकान से भेजे, मैंने की डला बड़ी गंदी गाओ भागवत तुम्हें कोई गाओ ना, सो हमने बैग उठाओ घर से निकल के आए और कुरावली बाई रोड पे शीतला माँ के मंदिर से खड़े हो गए, खादे की सामने से गाड़ी आ रही, सो हाथ लगाओ और जैसे ही हाथ लगाओ सब गाड़ी भाई ने पूछ ली कहाँ जाया, बोले भैया बोलो चला चला पिलाए चले गए बेचारे देखते ही रह गए, थोड़ी देर खड़े रहे इंतजार करो फिर देखी सामने से गाड़ी आ रही सोने, फिर जल्दी जल्दी हाथ लगाओ पान पूछ ली कहाँ गया, बोले भैया दर्द करे अब तो उन्हें बहुत देर होगी खड़े खड़े और तब तक हम पहुंचे और मैंने की तुम अभी यही करे कथा में नहीं गए सुबह दौरे पड़े, बोले हम कैसे जाए क्यों गाड़ी ना चलती का, अरे मैंने की रुकवा लेते बैठते चले जाते, बोले हम सोई तो कह रहे हम कैसे कोई रुकती ना, पर हमारे गाड़ी रुक उन्हें बैठा दो तो बेचारी कुरावली पहुंच रहे ऐसे कीर्तन बोलो ना कल दिना रोड ही बिठा दे रहे हम बता दें We'll be right back.